नमस्कार, पेश है आज की प्रमुख खबरें। फर्जी साक्षात्कार से नाराज हुए आमिर खान। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने फिल्म पीके के संदर्भ में उनका धर्म आधारित मनगढ़ंत साक्षात्कार पोस्ट करने वाली कुछ पाकिस्तानी वेबसाइटों को कानूनी नोटिस भेजा है। आमिर की ओर से नोटिस भेजने वाली कंपनी डीएसके लीगल के मैनेजिंग पार्टनर आनंद देसाई ने कहा कि अभिनेता ने इस तरह का कोई भी साक्षात्कार नहीं दिया है। खुद आमिर अपने इस कथित साक्षात्कार से हैरान है। आमिर मुंबई लौटने पर इस मामले में पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ में आपराधिक शिकायत दर्ज कराएंगे। फिलहाल वे अमेरिका में हैं। कश्मीर में छद्म युद्ध को पाक का समर्थन, सेना प्रमुख सुहाग ने कहा। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध को लगातार समर्थन देने का आरोप लगाते हुए सेना प्रमुख जनरल दलवीर सिंह सुहाग ने आज कहा कि सक्रिय सीमाओं के कारण खतरा और चुनौतियां बढ़ रही हैं। सुहाग ने कहा कि पिछले महीने पेशावर में एक आर्मी स्कूल पर जघन्य हमले के बाद से यह इंतजार करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी सेना का मन बदला या नहीं। चार्ली एब्दो के कवर पर फिर पैगंबर मोहम्मद के कार्टून। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापने की वजह से आतंकी हमले का शिकार हुई फ्रेंच मैगजीन चार्ली एब्दो बुधवार को एक बार फिर पैगंबर के कार्टून छापने जा रही है। इस पत्रिका को 16 भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। मैगजीन के वकील ने जानकारी दी कि पत्रिका के आने वाले संस्करण में पैगंबर मोहम्मद के रेखाचित्र और कार्टून प्रमुखता से छापे जाएंगे। आईएस समर्थकों ने हैक किया यूएस सेंट्रल कमांड का ट्विटर अकाउंट। कुख्यात आतंकी संगठन आईएस समर्थक ग्रुप ने एक सनसनीखेज घटनाक्रम में सोमवार को यूएस सेंट्रल कमांड का ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट हैक कर लिया। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ऑपरेशन नेटवर्क सेफ है और कोई गोपनीय सूचना भी लीक नहीं हुई है। साइबर कैल्फेट नाम के इस ग्रुप ने इस अकाउंट से किए गए एक ट्वीट में लिखा था, अमेरिकी सैनिकों हम आ रहे हैं, होशियार रहो। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि करीब आधे घंटे समस्या रही और बाद में ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट को फिर से सही कर दिया गया। पाकिस्तान में 7 आतंकवादियों को फांसी। पाकिस्तान में दोषी ठहराए गए 7 आतंकवादियों को आज विभिन्न जेलों में फांसी पर लटका दिया गया। इनमें पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ पर हमले में शामिल रहा पाकिस्तानी वायुसेना का एक जूनियर तकनीशियन भी शामिल है। ये थी अब तक की खास खबरें। और जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।